हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैब। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं अबाउट दी एपीएससी एग्जामिनेशन और क्या स्ट्रेटजी हो सकती है फॉर दी नॉन यूपीएससी एस्पिरेंट्स। सो बेसिकली दोज कैंडिडेट्स हु डू नॉट हैव रेगुलरली प्रिपेयर्ड फॉर दी एग्जामिनेशंस व्हिच आर कंडक्टेड बाय यूपीएससी। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दी एग्जामिनेशंस लाइक सिविल सर्विसेज एग्जाम्स और दी अदर ईपीएफओ रिक्रूटमेंट एग्जाम्स व्हिच हैव बीन कंडक्टेड बाय यूपीएससी अर्लियर। सो ऑल दीज एस्पिरेंट्स हु हैव नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एनी यूपीएससी एग्जाम, what is the strategy that they could adopt for the upcoming APFC exam, we will be talking about that। लेकिन main मुद्दे पे जाने से पहले आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं about this magnificent guidebook that we have prepared for all of you guys। ये जो guidebook है इसके अंदर APFC से जुड़ी ही सारी information जो है वो आपको मिल जाती है, ठीक है। इसमें APFC का जो post है उसकी क्या powers है, क्या उसके perks हैं, क्या salary है, क्या responsibilities और functions आपको करने पड़ते हैं when you are recruited as APFC officer, ये सारी चीजें इस guidebook के अंदर है। इसके अलावा इस guidebook में exam के बारे में क्या stages हैं, क्या syllabus है, कितने किस तरीके के previous year questions पिछले सालों में पूछे गए हैं with their solution, वो सारी चीजें they are included in this guidebook and this guidebook is available absolutely free of cost to you। तो नीचे description box में जाकर के आप इस guidebook को download कर सकते हो और जितने भी सवाल आपके मन में हैं APFC से जुड़े हुए, जो भी basic queries होती हैं, frequently asked questions होते हैं, वो सारी चीजों का reliable official sources से answer आपको एक जगह पर मिलता है। आपका time बचता है, आपका effort energy बचती है और वो सारा effort time आप लगा सकते हो APFC की तैयारी में, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी में जो आप कर रहे हो, ठीक है। तो अभी जाओ वीडियो को पॉज करो, इस गाइडबुक को डाउनलोड कर लो और उसके बाद वापस आकर के यू कैन कंटिन्यू विद दिस वीडियो अगेन, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि क्यों एपीएससी का जो एग्जाम है वो यूपीएससी और नॉन यूपीएससी एस्पिरेंट्स का डिवीजन नहीं क्यों कर रहे हैं, व्हाई आर वी डिफरेंशिएटिंग बिटवीन अ यूपीएससी एस्पिरेंट और नॉन यूपीएससी एस्पिरेंट फॉर एपीएससी। तो रीजन इज वेरी सिंपल, इफ यू टॉक अबाउट द यूपीएससी एस्पिरेंट्स, डू दे हैव एन एज, many of us we agree कि yes, जो UPSC aspirants होते हैं civil services की तैयारी कर रहे हैं या दूसरे exam जो UPSC अक्सर conduct करता है उसकी तैयारी कर चुके हैं, उनको edge क्या है? सबसे पहले तो overlap in syllabus। अगर APFC के सिलेबस को आप नहीं जानते हो तो अगेन ये गाइडबुक है, इस गाइडबुक में जाके सिलेबस एक बार आप देख सकते हो और भी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर हैं where we have talked about the syllabus in great detail, ठीक है। तो वो सिलेबस का एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो ओवरलैप करता है सिविल सर्विसेज ऐसे एग्जाम्स के सिलेबस के साथ। पूरा पूरा जीएस आपका जो है वो आपका आता है इन दी यूपीएससी एग्जाम, चाहे हिस्ट्री कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर लो, पॉलिटी की बात कर लो, कल्चर की बात कर लो, इकोनॉमी की बात करेंगे, जनरल साइंस की बात करेंगे, ये सारे जो जीएस के टॉपिक्स हैं दे आर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन यूपीएससी एग्जाम्स। तो यस देयर इज अ सिलेबस ओवरलैप और उन लोगों ने ये सिलेबस काफी हद तक कवर किया होगा, ठीक है। दूसरा रीजन क्या है, द एग्जाम इज गोइंग टू बी कंडक्टेड इन ऑफलाइन एंड ऑब्जेक्टिव मोड, सो दिस विल बी अ पेन एंड पेपर एग्जाम। So for the aspirants, basically you are preparing for banking examinations or regulatory body examinations. We usually are prepared for online exams, ठीक है, computer based test के लिए हम लोग तैयार होते हैं and उसी के हिसाब से कई बार हम लोग mock test देते हैं, practice करते हैं, हमारी study का mode is always online. So therefore aspirants who have been preparing for UPSC वो हमेशा pen and paper mode में practice करते आए, पढ़ते आए, तो उनके लिए थोड़ा सा comfortability level ज्यादा रहता है, बिल्कुल सही बात है। Next comes यूपीएससी से पुराना रिश्ता लगता है यूपीएससी एस्पिरेंट्स को, खासतौर पर सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स, दे रियली थिंक दैट दे नो यूपीएससी एंड हाउ यूपीएससी फ्रेम्स द क्वेश्चंस, हाउ यूपीएससी आस्क्स द क्वेश्चंस, व्हिच आर द एरियाज फ्रॉम वेयर यूपीएससी इज गोना आस्क द क्वेश्चन, एंड दिस इज ट्रू टू सर्टेन एक्सटेंट, ये कुछ हद तक बिल्कुल सही बात है। और एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी तो ऑब्वियसली अगर यूपीएससी है तो उसका एक लेवल अलग होता है, अलग तरीके से मेंटेन किया गया रहता है, और वो अगर कोई एस्पिरेंट यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर चुका है तो वो उस लेवल से थोड़ा वाकिफ होता है, ठीक है। तो देर आर सर्टन रीजंस, वैलिड रीजंस व्हाई वी थिंक दैट दिस एग्जाम गिव्स एन एज टू द एस्पिरेंट्स हु हैव प्रिपेयर्ड फॉर यूपीएससी एग्जाम्स अर्लियर, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर हम ओवरलैप की बात करें कि जो मैंने आपको अभी आपको बताया कि सिलेबस ओवरलैप होता है, ये सिलेबस ओवरलैप किस हद तक है, इफ यू टॉक अबाउट द सब्जेक्ट्स व्हिच आर देयर इन द एपीएससी एग्जामिनेशन एंड आल्सो पार्ट ऑफ द यूपीएससी सिलेबस, तो देयर इज इंडियन कल्चर हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट, सो बेसिकली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड योर इंडियन कल्चर हेरिटेज, ओके, इंडियन इकोनॉमी है, पॉपुलेशन डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन की कॉन्सेप्ट्स, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दिस इज वन ऑफ द सब्जेक्ट व्हिच इज नॉट यूजुअली आस्क्ड इन अदर एग्जामिनेशंस, बट यस फ्रीक्वेंटली एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ द यूपीएससी एग्जामिनेशन, चाहे वो एपीएससी हो, चाहे वो ईपीएफओ ईओएओ के एग्जाम्स हुए थे, चाहे वो हमारे सिविल सर्विस के एग्जाम होते हैं, एनडीए एग्जाम्स होते हैं, किसी भी तरीके के यूपीएससी एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जनरल साइंस, सोशल सिक्योरिटी, सो दीज आर द टॉपिक्स व्हिच अ यूपीएससी एस्पिरेंट हैज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर, ठीक है। व्हाट आर द अदर सब्जेक्ट्स, अदर सब्जेक्ट्स अगर देखें, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, लेबर लॉस, टेक्निकल सब्जेक्ट है, अक्सर यूपीएससी एस्पिरेंट्स इसको नहीं पढ़ते।
Accountancy, auditing, insurance, statistics, computer applications, again these are the topics which are not covered in the UPSC exam syllabus, लेकिन ये UPSC syllabus का भी part है, तो यहाँ पर जो है वो gap बिल्कुल बराबर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद general English and mental ability, UPSC में भी aptitude tests होते हैं, मैथ्स के और रीजनिंग के और इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उनका लेवल बहुत ही रूडिमेंट्री होता है, बहुत बेसिक लेवल होता है, टेंथ क्लास के लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर जो एपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो उतने सिंपल नहीं होंगे, वो थोड़े एडवांस क्वेश्चन होंगे, तो यहाँ भी जो है वो एक तरीके से गेम सबके लिए बराबर हो जाती है, ठीक है। तो ये तो ओवरलैप की बात हो गई, तो यस देयर इज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ एपीएससी जो अलग है एज कंपेयर टू द यूपीएससी सिलेबस, ठीक है जी। अब आपको क्या फायदा हो रहा है अगर आप नॉन यूपीएससी एस्पिरेंट हो, तो व्हाट इज गोइंग फॉर यू, व्हाट इज गोइंग इन फेवर ऑफ यू। तो सबसे पहले तो यू हैव टाइम ऑन योर साइड, एपीएससी नोटिफिकेशन आएगी, नोटिफिकेशन आने के बाद भी आपको टाइम मिलेगा एग्जाम जो है। अगर हम अगले साल का यूपीएससी का कैलेंडर देखें तो उस कैलेंडर के हिसाब से जो रिक्रूटमेंट टेस्ट के लिए ऑलरेडी डेट्स अवेलेबल है उसको भी अगर हम देख के ध्यान में रख के अगर आगे चलते हैं तो हमें पता चलता है कि यू हैव मोर देन फोर मंथ्स, एटलीस्ट फोर मंथ्स तो है, फोर मंथ से ज्यादा टाइम भी मिलेगा आपको for preparing for this exam. So you have time at your side. If you are persistent enough, if you are hardworking enough, you can obviously cover the entire syllabus. ठीक है। उसके बाद not even 10% of the UPSC aspirants are serious aspirants. UPSC aspirants कहने को जो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं UPSC की तैयारी कर रहे हैं, UPSC exam की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, बहुत time से कर रहे हैं, लेकिन उन सब में serious candidates जो असली में GS का syllabus उतने अच्छे तरीके से cover कर चुके हैं उनका नंबर बहुत कम होता है, ठीक है। और मेरे हिसाब से तो 10% होता है, हर 10 में से एक ही ऐसा एस्पिरेंट होगा जिसकी सच में अच्छी पकड़ होगी यूपीएससी के ऊपर, ठीक है। क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस इतना वास्ट है कि अक्सर लोग तैयारी तो कर रहे होते हैं लेकिन वो उतनी अच्छी लेवल की तैयारी उनकी होती नहीं है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सच है, मैं भी यूपीएससी एस्पिरेंट हूं और मैं जानता हूं इस बात को कि बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं विच आर नॉट हु आर नॉट यू नो रियली वेल वर्स्ड विद द सिलेबस ऑफ यूपीएससी। तो ये 10% की भीड़ तो यहीं आपके लिए बच जाते हैं, 90% लोग यहीं आपके कॉम्पिटिशन से बाहर हो गए, क्योंकि आपका ऑब्वियसली अगर कंपटीशन है तो वो 10% लोगों से है जिन्होंने सच में अच्छी तैयारी कर रखी है यूपीएससी की, ठीक है। अब ये जो 10% सीरियस एस्पिरेंट होंगे इनके साथ भी प्रॉब्लम क्या है कि इसमें से भी बहुत कम लोग होंगे जो एपीएससी के लिए अपनी अटेंशन डाइवर्ट करेंगे, क्योंकि ये जो 10% कैंडिडेट थे ये यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट है, ये अच्छी तैयारी कर चुके हैं यूपीएससी के पूरे सिलेबस की। अब क्या ये अपना यूपीएससी का ड्रीम, सिविल सर्विस का ड्रीम यूपीएससी के एग्जाम्स के ऊपर से अपनी एनर्जी हटा करके एपीएससी के लिए डाइवर्ट करेंगे, तो इसमें इन 10% में से भी बहुत कम लोग होंगे जो एपीएससी के लिए अपनी अटेंशन जो है वो डालेंगे, क्योंकि एपीएससी का एग्जाम ऐसे तो क्लियर होगा नहीं, इसको अगर क्लियर करना है तो वो नॉन जो ओवरलैपिंग सिलेबस था अकाउंट्स ऑडिटिंग स्टेटिस्टिक्स इंडस्ट्रियल रिलेशंस लेबर लॉज ये सब चीजें पढ़नी पड़ेगी, कंप्यूटर एप्लीकेशंस पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब ये पढ़ना है तो उसके लिए टाइम चाहिए, एनर्जी चाहिए, और वो टाइम एंड एनर्जी क्या अब वो यूपीएससी के एग्जाम की प्रिपरेशन से निकाल कर देंगे, नहीं देंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं देंगे, ठीक है, वो जाएंगे अपने यूपीएससी के लिए। तो यहां पर आपको ये पता चल गया कि जो कंपटीशन है आपका एक्चुअली उन लोगों से है जो सीरियस एस्पिरेंट है यूपीएससी के, और वो एक्चुअली सीरियसली बाकी नॉन यूपीएससी सब्जेक्ट्स को भी पढ़ेंगे, उन्हीं से कॉम्पिटिशन है, तो और ये जो नंबर है लोगों का ये बहुत कम है, ठीक है। तो ये भी आपके फेवर में जा रहा है। उसके बाद easier to prepare GS than technical subjects like accounts, IR, computer applications. ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखो अगर GS की बात करें history, economy, geography, polity ये सब चीजें हम लोग actually school से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। भले ही स्कूल की चीजें यहाँ पर नहीं पूछी जा रही डायरेक्टली, लेकिन क्योंकि वो सब्जेक्ट्स आप बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हो, वो हमारे माइंड में कहीं ना कहीं उनको लेकर के एक फ्रेमवर्क बना होता है। तो हिस्ट्री को पढ़ के तैयार करना, इकोनॉमी को पढ़ के तैयार करना, जनरल साइंस को पढ़ के तैयार करना, दिस इज मच ईजियर as compared to preparing technical subjects like accounts, industrial relations, computer application. तो वो aspirant, वो student जिसने अभी तक आज तक कभी accounts नहीं पढ़ा है, क्या वो accounts को उतनी अच्छी से prepare कर लेगा उतनी जल्दी? नहीं कर पाएगा। GS को prepare करना ज्यादा आसान है। तो अगर आपने RBI या दूसरे exams की तैयारी में या किसी और regulatory body या किसी और competitive exam की तैयारी के अंदर, या अपनी खुद अगर आप working professional है, अपनी organization में कोई exam दिया है, या accounts का syllabus आपने school time में पढ़ रखा है, तो वो आप उसको ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। अगर कोई यूपीएससी स्टूडेंट चाहेगा कि अगले 4-5 महीनों में मैं अकाउंट्स उतना अच्छे से तैयार कर लूं, तो शायद उसके लिए उतना इजी नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज आल्सो अगेन गोइंग फॉर ऑल दोस एस्पिरेंट्स हु आर नॉन यूपीएससी, ठीक है जी। इसके बाद हाउ कैन अ नॉन यूपीएससी कैंडिडेट कम्पीट, आपको सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, आपको पता होना चाहिए कि हाउ मच सिलेबस ऑफ एपीएससी इज सिमिलर टू द एग्जाम यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर। अगर आप किसी और दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मुझे लगता है ज्यादातर हम में से लोग कर ही रहे होंगे, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो चाहे नॉन यूपीएससी एग्जाम हो, आरबीआई हो, नाबार्ड हो, कोई रेगुलेटरी बॉडी हो, या फिर हमारी कोई
जो बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं वो हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, उसका सिलेबस और एपीएससी का सिलेबस कितना सिमिलर है, क्या चीजें कोइंसाइड करती है, उसको ध्यान से एक बार समझ लेना और फिर डिसीजन लेना। अगर 50% से कम सिलेबस आपका जो है वो कॉमन है विद एपीएससी, तो इसका मतलब आपका एफर्ट ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए कि कितनी ज्यादा मेहनत और करनी पड़ेगी आपको एपीएससी के लिए, ठीक है। देन व्हाट इज योर प्रायोरिटी एग्जाम। अब प्रायोरिटी एग्जाम का मतलब क्या हुआ कि अगर जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, क्या उसको सेकेंडरी करके एपीएससी की तैयारी करोगे, क्या एपीएससी फिर प्राइमरी एग्जाम बनेगा, तो इसका मतलब है ज्यादा एनर्जी और टाइम एपीएससी के लिए जाएगा। अगर नहीं, वही एग्जाम जिसका ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हो वही आपका टारगेट है प्राइमरी, और एपीएससी सेकेंडरी एग्जाम है, तो ये चीज आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। इससे होगा क्या, आप जो स्केड्यूल बना रहे हो या आगे जो मैं स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं उस पर काफी इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट, डू यू हैव ऑल द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन अबाउट एपीएससी, एपीएससी का एग्जाम। ये जो सवाल है कि क्या एपीएससी प्रायोरिटी एग्जाम बनेगा, इस पे इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए, इफ यू हैव टू टेक अ गुड डिसीजन, वाइज डिसीजन, इन्फॉर्म्ड डिसीजन ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, यू मस्ट हैव ऑल द इन्फॉर्मेशन नेसेसरी दैट इज देयर अबाउट द एपीएससी पोस्ट, एपीएससी एग्जाम, राइट। सो एपीएससी सिलेबस, एपीएससी पीवाईक्यूज, एपीएससी एग्जाम पैटर्न एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एज आई टोल्ड यू, ऑल दिस इन्फॉर्मेशन मस्ट बी वेरी क्लियर इन योर माइंड, देन ओनली यू कैन टेक अ गुड डिसीजन, अ डिसीजन दैट यू वोंट रिग्रेट लेटर, राइट। एंड नेक्स्ट, डू यू हैव ऑल द सोर्सेज ऑफ प्रिपरेशन फॉर दिस एग्जाम। If you have decided that yes, I am going to prepare for APFC, तो क्या जो sources हैं, the different books, the different material that you need to prepare for the entire syllabus of APFC, do you have that available with you or not, right? So these are the questions that you first of all be very much clear about, and then you can decide whether you want to go for the strategy or not. Okay? Now let us talk about the strategy. What is the strategy? First of all, you have to be very clear about the syllabus. Decode the entire syllabus. And also decode the previous year questions which have been asked. Previous year questions का क्या फायदा है कि अगर मैंने बोल दिया कि Indian modern history या Indian freedom struggle, तो freedom struggle के किस particular component से question आते हैं उससे पता चलता है कि what particular component of the freedom struggle subject is more important. So क्या गांधी जी से जुड़े question पूछे जा रहे हैं, क्या वहां पर कांग्रेस की जो पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस उससे जुड़े क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो भगत सिंह जैसे हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनसे जुड़े क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े क्वेश्चन है, लीडर्स से जुड़े क्वेश्चन है, सोशल मूवमेंट से जुड़े क्वेश्चन है, किस तरीके के क्वेश्चन है, राइट। तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल टू टेल यू दैट पीवाईक्यूज विल हेल्प यू डिकोड द सिलेबस। So then if your syllabus is streamlined and decoded, then you can prepare in a smart manner. Pura syllabus, puri kitabe padhne se zyada better ye nahi hoga ki ye jo important topics hain usko hum log padhe, right? And next, you have to be shortlisting your sources of preparation. Whatever books or articles or magazines or content that you are going to use to prepare for these subjects, you have to be very careful about that. एक ही सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक बुक को मल्टीपल बार जो है पढ़ना होता है, ये हमेशा कहते हैं। सो प्रिपरेशन के जो सोर्सेज हैं वो हमेशा कम होने चाहिए, और उन सोर्सेज को बार बार पढ़कर आपकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट, क्रिस्प सेल्फ नोट्स हैव टू बी मेड। इफ यू आर रीडिंग समथिंग अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड यू आर रीडिंग लक्ष्मीकांत बुक, सो फ्रॉम दैट बुक विच इज अ वेरी बल्की बुक, एंड आई एम नॉट सेइंग कि उसमें जो चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, हर चीज इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको पढ़ के खुद के सेल्फ नोट्स बनाए और वो खुद के सेल्फ नोट्स क्रिस्प हों, शॉर्ट होते रहें, छोटे होते रहें, ये नहीं कि 10 पेज पढ़ के उसके 10 पेज के नोट्स बना दिए, नहीं, 10 पेज पढ़ के उसमें से 3-4 पेज के नोट्स बनते हैं, उससे ज्यादा के नहीं बनने चाहिए, फिर वो नोट्स रिवाइज करने हैं, उनको बार बार पढ़ना है, राइट। सो क्रिस्प सेल्फ नोट्स बनाने हैं, उनको रिवाइज करना है, एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस यू विल नीड फॉर एवरी एग्जाम एंड फॉर एवरी एंडेवर, नॉट ओनली एग्जाम्स, नॉट ओनली स्कूल एग्जाम्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, फॉर एवरी एंडेवर इन योर लाइफ यू हैव टू बी प्रैक्टिसिंग। The more practice you get, the more better you are at that particular endeavor. इसलिए कहते हैं कि experience के साथ लोग जो है ज्यादा समझदार हो जाते हैं, ज्यादा success के chances बढ़ जाते हैं, वो क्यों होता है? Because you have been practicing with failures, right? So जितना practice करोगे, mock test देने हैं आपको, आपको जितने ज्यादा जो भी chapters आप पढ़ रहे हो उन chapters के sectional test देने हैं, तो जितना ज्यादा MCQ solve करते रहोगे, practice करते रहोगे, the more better your preparation will be. Okay? So how much you have to study each day? If you are a non-UPSC aspirant, you have a task at your hand. You have to cover all that syllabus which is not asked in UPSC and which you might not have prepared for your original exam which you are preparing for. So how much to study each day? If you are a working professional, if you are a housewife, you have other house domestic chores to take care of. You are an ex-serviceman maybe. So you cannot give too much study hours in a day. अगर आप किसी भी ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं
जो आपको अलाउ नहीं कर रहा कि आप दिन में बहुत ज्यादा घंटे या फुल टाइम आप स्टडी कर सकें। अगर आप 5 या 6 घंटे ऑनलाइन एवरेज दे सकते हैं तो आपको 2 शिफ्ट में तैयारी करनी पड़ेगी, 5-6 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मॉर्निंग शिफ्ट इवनिंग शिफ्ट आप 2 शिफ्ट में अपने प्रिपरेशन को डिवाइड कर लीजिए। एंड अगेन ये इसका मतलब क्या है, मैं क्यों कह रहा हूँ ये, बिकॉज वी अंडरस्टैंड दैट नॉट एवरी वन ऑफ अस कैन गिव यू नो द एंटायर डे फॉर स्टडी। जो फुल टाइम एस्पिरेंट्स हैं जो स्टडी ही कर रहे हैं किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए पूरा दिन, उनके लिए अलग है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी कहीं काम करते हो तो वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं, या फिर अगर आप ऑलरेडी जैसे अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं। तो इस तरीके से 5-6 घंटे ऑन एन एवरेज आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा, और अगर आप फुल टाइम एस्पिरेंट हो तो 7-8 घंटे तो जरूर पढ़ना है, ठीक है। ये 7-8 घंटे इज ऑन अ लेसर साइड, इसको बढ़ा भी सकते हो, बढ़ाना चाहिए भी, क्योंकि अगर देखो मल्टीपल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, इफ यू आर नॉट अ वर्किंग प्रोफेशनल, इफ यू आर फुल टाइम एस्पिरेंट, फुल टाइम प्रिपेयरिंग मोड में हो, तो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके साथ एपीएससी को पढ़ना है तो ऑब्वियसली स्टडिंग आवर्स जो है वो काफी ज्यादा होने चाहिए, राइट। सो ऑलरेडी आपको 3 शिफ्ट के अंदर मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग ये आपको पढ़ाई जो है वो लगातार जारी रखने की जरूरत है, ठीक है। और इसमें आपको टाइम निकालना पड़ेगा, दूसरे एग्जाम को भी टाइम देना पड़ेगा, एंड यू ऑल्सो हैव टू गिव एनफ टाइम फॉर एपीएससी, ठीक है, इफ यू हैव डिसाइडेड टू गो फॉर एपीएससी इन अ प्राइमरी मोड। ओके, नाउ 4 month study plan I'm going to discuss with you. This plan is for 120 days. All the 120 days have been divided into all the components which are part of the syllabus. तो ये 120 दिन 4 महीनों के अंदर yes you can prepare, और अगर वही आप 5-6 या 7-8 घंटे आप प्रिपेयर कर सकते हो, उससे ज्यादा टाइम भी दे सकते हो, तो ऑब्वियसली जो 4 month का प्लान है ये और छोटा हो जाएगा, आपको रिविजन के लिए ज्यादा टाइम मिलता है, ठीक है। सो वॉट इज द स्ट्रेटजी, फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल इंग्लिश आई थिंक 9 days आर टू मच फॉर दिस। In 9 days में actually करना क्या है, you have to cover the syllabus, you have to read about all these topics ही आपको PDF के अंदर मिल जाएंगे, ये आपको guidebook के अंदर भी मिल जाते हैं। तो ये topics आपको पढ़ने ही है general English के, 9 दिन के अंदर एक सारे topics पढ़ के खत्म करने, उसके बाद regular practice चलेगी, practice नहीं रुकनी है ना, ऐसा नहीं है कि 9 दिन English पढ़ ली उसके बाद English छोड़ दी, नहीं, हर 2-3 दिन पे आपकी practice होती रहेगी, MCQ जैसे मैंने कहा वो आप सॉल्व करते रहोगे, ताकि जो चीजें पढ़ी हैं these things they should not slip out of mind. Next, जनरल मेंटल एबिलिटी अगेन 11 days, 10 day, day 10 से day 20 तक आप लोग जाएंगे, और यहाँ पर ये टॉपिक्स मैंने आपको दे दिए, इसमें स्टेटिस्टिक्स एंड मैथ्स आई हैव इंक्लूडेड बोथ ऑफ देम, एंड द सोर्सेज फॉर दिस आर यू नो ऑब्वियसली आरएस अग्रवाल जो बुक है ये बहुत सही है, लेकिन स्टेटिस्टिक्स के लिए जो क्लास 11th की टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक फॉर दी स्टेटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स फॉर क्लास 11th, दिस इन माई ओपिनियन इज सफिशियंट, जितने भी बेसिक कॉम्पोनेंट है स्टेटिस्टिक्स के वो आपको इस बुक के अंदर मिल जाते हैं। तो विद इन 11 days यू कैन रीड अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स, इससे क्या क्या फॉर्मूला जुड़े हुए हैं, इसमें क्या क्या जो है डेफिनेशन जुड़ी हुई है स्टेटिस्टिक्स की, इसमें भी इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रैक्टिस करना। मैथ्स और स्टेटिस्टिक्स आपको तब तक नहीं आएगी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छे तरीके से इसकी प्रिपरेशन होगी, और क्वेश्चन सही सॉल्व कर पाओ एक्चुअल एग्जाम में उसके चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। देन डे 21 to 39 यू विल गो फॉर द इंडियन कल्चर हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट, दीज आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर दैट, और ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको किसी भी सोर्स के अंदर मिल जाते हैं, लेकिन द सोर्सेज दैट विच वी रिकमेंड दीज आर बेसिकली द एनसीईआरटी बुक्स एंड सर्टेन रेफरेंस बुक जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के द्वारा भी यूज की जाती है, आप उनको भी पढ़ सकते हो। तो ये चैप्टर्स जो है इनको ध्यान से आप लोग देख लीजिए, जिसमें इंडियन रिलीजन फिलोसफी से लेकर के इंडियन फेस्टिवल लिटरेचर डांस फॉर्म्स म्यूजिक इससे जुड़ी फैक्चुअल नॉलेज होती है, और अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर मुगल्स के डिक्लाइन के बाद से लेकर के आजादी तक जो भी पूरा इवेंट हुआ है, जो भी स्ट्रगल्स हुई हैं फ्रीडम की, जितने ऑर्गेनाइजेशंस बने, जितने उसमें फ्रीडम फाइटर्स थे, लीडर्स थे, और जो सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म की मूवमेंट्स बनी, वो सारी चीजें जो है वो आपको इन चैप्टर्स के अंदर कवर्ड मिलती है। अब इसके लिए स्ट्रेटजी ये ध्यान रखना कि बोथ फॉर कल्चर एंड हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट द क्वेश्चंस व्हिच वी हैव सीन इन द प्रीवियस ईयर्स द क्वेश्चंस आर नॉट एट ऑल इजी, खासतौर पर फ्रीडम मूवमेंट के काफी अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे सिविल सर्विस एग्जाम में यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है हिस्ट्री के, वैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यू हैव टू प्रिपेयर वेरी वेल फॉर दैट, आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा इसको। और अगर हम कल्चर हेरिटेज की बात करें तो थोड़े फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे इसमें, लेकिन जो रिसेंटली कंडक्टेड एग्जाम हुआ, तो सबसे लास्ट एग्जाम हुआ 2015-16 में एपीएससी का, उसके अंदर थोड़े कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी थे कल्चरल हेरिटेज से जुड़े हुए, कि जैसे कंजर्व क्यों करना है, कंजर्व करने से क्या फायदा होता है, इस तरीके के क्वेश्चन है। तो अगेन अगर हम इन दोनों की बात करें तो आपको फैक्चुअल नॉलेज बहुत सारी आपको पढ़नी पड़ेगी, तो याद करना पड़ेगा बहुत सारी चीजों को, रट्टा लगाना जिसे कहते हैं, अगर वो करना है वो कर लो, कंसेप्चुअली समझ के अगर याद कर सकते हो तो वो कर लो, वट एवर स्ट्रेटजी सूट्स यू बेस्ट डू दैट, लेकिन यू हैव टू रिमेंबर एंड मेमोराइज अ लॉट ऑफ फैक्ट्स, राइट। सो वट आर द सोर्सेज, एनसीईआरटी वी रिकमेंड फॉर इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री द फ्रीडम पार्ट,
एंड इंडियन कल्चर हेरिटेज की बुक आती है नितिन सिंघानिया की, ये पढ़ लीजिए। इसके अंदर सारा जितना वेरियस आर्ट फॉर्म्स हैं वो आपको इसमें कवर मिल जाते हैं। और अगर हम फ्रीडम मूवमेंट की बात करें तो ये हमारी बुक्स हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के द्वारा यूज की जाती हैं। बट आई वुड रिकमेंड स्पेक्ट्रम, राइट। तो स्पेक्ट्रम की बुक आती है, राजीव अहिर जी इज द ऑथर ऑफ दैट बुक, एंड द स्पेक्ट्रम इज बेसिकली द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड इन दिस बाई स्पेक्ट्रम पब्लिकेशंस बेसिकली। और उसके अंदर अगर आप पढ़ लेते हो तो उसमें ना एपीएससी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑल द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन दैट। ओके, नेक्स्ट डे 40 to 49 विल टॉक अबाउट पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन। ऑफ दिस टॉपिक इज अ काइंड ऑफ अ वेरी जनरलिस्ट टॉपिक। इसमें इंडिया की फिजियोग्राफी और रिवर सिस्टम हमने इंक्लूड इसलिए कर दिए हैं क्योंकि लास्ट ईयर के क्वेश्चन हमने देखे तो यस, क्वेश्चन पूछे गए हैं अबाउट इंडिया ज्योग्राफी। अब आप उसको जीके बोल सकते हो, जो भी बोलना है, लेकिन एक्चुअली द क्वेश्चन फ्रॉम ज्योग्राफी पार्ट आर देयर, सो देयरफॉर यू शुड प्रिपेयर फॉर द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इंडिया का बेसिक ज्योग्राफी है, रिवर्स हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं, वो सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। और इंडिया की जो पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन खासतौर पर जो सेंसस 2011 का डेटा है, वहां से जो फाइंडिंग्स है, वो चीज आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, राइट। देन कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन शुड बी वेरी मच क्लियर विद यू। सो व्हाट ह्यूमन डेवलपमेंट इज, हाउ ह्यूमन डेवलपमेंट इज मेजर्ड, हु आर द पीपल और द ग्रुप ऑफ पीपल और इंडिविजुअल्स हु केम अप विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सारी चीजें हम क्लियर हो। और व्हाट इज द स्टेटस ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, वो भी चीज आपको पता होनी चाहिए। ग्लोबलाइजेशन में तो सिंपल है, इसका मतलब क्या होता है, वाई ग्लोबलाइजेशन इज गुड और वाई इज इट बैड, व्हाट आर द चैलेंजेस इन ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन अगर आज के जमाने में हुई है तो उससे जुड़ी कुछ चीजें होती है, जैसे कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो ग्लोबलाइजेशन को फैसिलिटेट करते हैं, उनके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए, ठीक है जी। नाउ वेयर फ्रॉम वेयर विल बी प्रिपेयरिंग दिस, इफ यू टॉक अबाउट ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन देन विल गो विद NCERTs, बट मोस्ट ऑफ इट इज गोइंग टू बी कवर्ड फ्रॉम द करंट अफेयर्स, राइट। सो गो थ्रू न्यूज़पेपर्स, गो थ्रू PIB आर्टिकल्स एंड ऑन अ डेली बेसिस, एंड जो भी रिपोर्ट्स आर्टिकल्स आपको दिखते हैं डेवलपमेंट से जुड़े हुए, ह्यूमन डेवलपमेंट से जुड़े हुए, वो सारी चीजें आपको वहां पर कवर करनी है। फिर आता है गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे एपीएससी के एग्जाम में फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, बिकॉज पहली तो बात यूपीएससी को पसंद है सब्जेक्ट। यूपीएससी रियली वॉन्ट्स द कैंडिडेट्स हु क्रैक यूपीएससी एग्जाम्स टू बी वेरी वेरी अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या होता है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के रिलेशंस कैसे होते हैं, पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर जो होता है स्टेट्स के अंदर, जुडिशरी, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। उसके ऊपर क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, अगर ये टॉपिक वीक रह गया देन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रैक एनी यूपीएससी एग्जाम, लेट अलोन एपीएससी, ठीक है। और इसमें आपको लक्ष्मीकांत की बुक है इंडियन पॉलिटी, उसकी मल्टीपल रीडिंग करनी है, दिस इज द बुक दैट आई वुड रिकमेंड। और कहीं नहीं जाना है, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, लेटेस्ट एडिशन चाहिए आपको क्योंकि पॉलिटी में चीजें चेंज होती रहती हैं, और लेटेस्ट एडिशन को मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, बार बार पढ़ो, अगेन इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो याद करनी पड़ेंगी। और इफ यू हैव नॉट स्टडीड पॉलिटी बिफोर, स्कूल में पढ़ी थी 10th तक, उसके बाद से नहीं पढ़ी है, उसके बाद से साइंस ही पढ़ी है बस, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी अगर ये टॉपिक छोड़ दिया और एक ही बार दो बार पढ़ के आपको लगा कि नहीं मुझे सब कुछ याद हो गया, नहीं, बार बार पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग आर्टिकल्स वो याद रखने पड़ेंगे कि हर आर्टिकल के अंदर क्या चीज है, ठीक है। तो वो चीज आपको इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत से मिलेगी, ठीक है। गवर्नेंस का इश्यूज जो है वो भी आपको मिल जाते हैं इंडियन पॉलिटी के फ्रॉम लक्ष्मीकांत जी की बुक है गवर्नेंस इन इंडिया। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, इसमें राइट्स के इश्यूज, राइट, इसमें सोशल जस्टिस जो कि सोशल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ टॉपिक है, वो भी आपको मिल जाता है इसके अंदर। सो लक्ष्मीकांत जी की ही द्वारा लिखी गई दोनों बुक्स हैं, यू कैन गो फॉर बोथ द बुक्स, बट दिस बुक इज द बाइबल, दिस इज द मस्ट रीड, ये मस्ट रीड है, ठीक है। और ये पढ़ लो, जो एपीएससी का एग्जाम होगा उसमें पॉलिटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इस पर्टिकुलर बुक से, ठीक है। नेक्स्ट कम्स योर जनरल साइंस, 66 to 70th डेज, आई थिंक दिस 4-5 डेज आर वेरी मच एनफ टू कवर जनरल साइंस। वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़नी है जो बेसिक स्कूल लेवल पे पढ़नी थी हमें। इसमें क्या होगा कि एप्लीकेशन जो है वो बेसिक्स की वो जरूरी हो जाती है क्योंकि आपको क्वेश्चन जो है यूपीएससी थोड़ा ट्रिकी बना के पूछता है, उतने सिंपल क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, बेकिंग सोडा क्या होता है, राइट, जो नींबू है या एसिटिक एसिड है या विनेगर है उसका पीएच कितना होता है, ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो थोड़ा सा ना घुमा के क्वेश्चन पूछेगा वो। सो इफ यू वांट टू बी रेडी फॉर द क्वेश्चंस फ्रॉम द जनरल साइंस पार्ट, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द बेसिक्स, अबाउट द एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंट केमिकल्स और डिफरेंट फिजिकल कॉन्सेप्ट्स, उनके एप्लीकेशंस बहुत क्लियर होना चाहिए, ठीक है जी। और रिविजन करनी है, प्रैक्टिस करनी है इसकी, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है,
ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होने वाला है. यू विल स्कोर, लेट्स से इफ यू आर नॉट वेरी गुड एट इंडियन इकोनॉमी और यू आर नॉट वेरी गुड विद इंडियन हिस्ट्री, तो मार्क्स कहीं ना कहीं से तो लाने पड़ेंगे ना. तो ये एक वैसा सब्जेक्ट है, इसे अगर खाली छोड़ दिया, इसके क्वेश्चन अगर मिस हो गए एग्जाम में, तो अगेन देयर इज अ वेरी हार्ड चांस दैट यू विल बी कमिंग इनटू द मेरिट लिस्ट. ओके, नेक्स्ट जनरल साइंस, एनसीईआरटी से पूरी जनरल साइंस प्रिपेयर हो जाएगी. जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होती है साइंस में, कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है या इसरो के कोई नए मिशन हैं, तो वो करंट अफेयर से आपको कवर करने पड़ेंगे. इसरो की साइट पे जाओ या फिर न्यूज़पेपर्स को रेगुलरली फॉलो करो. फिर आती है इंडियन इकोनॉमी. इंडियन इकोनॉमी इज समथिंग विच आई थिंक इन मोस्ट ऑफ द रेगुलेटरी बॉडीज एग्जाम्स एंड आरबीआई एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स एक्सेट्रा, इंडियन इकोनॉमी सबको पढ़नी पड़ती है. और अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा. एपीएससी में क्वेश्चन आएंगे इंडियन इकोनॉमी से जुड़े हुए, एंड द लेवल्स एंड टाइप्स जो क्वेश्चन होगा वो यूपीएससी के लेवल का होगा. तो दे विल बी डिफिकल्ट क्वेश्चंस, नॉट वेरी इजी क्वेश्चंस विल बी देयर. ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन की रेपो रेट कितना बढ़ गया लास्ट जो बाई मंथली आपकी मीटिंग हुई, बाई मंथली जो मीट हुई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, उसमें कितना रेपो रेट बढ़ा दिया, कितना घटा दिया, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे. अगेन कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं इसमें. ठीक है, सो यू विल बी हैव, यू विल हैव टू हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट इंडियाज फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, इंडियाज इकोनॉमिक हिस्ट्री, इंडियाज यू नो इन्फ्लेशन एंड इन्फ्लेशन इंपैक्ट, लेबर पॉलिसी, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से कवर करनी पड़ेंगी इंडियन इकोनॉमी के अंदर. ठीक है, तो यहां भी थोड़ा कंसेप्चुअल पार्ट ज्यादा है, फैक्चुअल अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी उतनी ज्यादा शायद इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. So again, NCERTs or you can go for Ramesh Singh. This is a standard book. Many aspirants go for this, लेकिन कई बार क्या होता है कि aspirants usually economy के बारे में जो basic चीजें हैं वो तो NCERT ही अच्छे से clear कर देती है, और उसके बाद जो है basically current affairs पे लोग jump कर जाते हैं. And saying this with experience, I have also done the same. I have seen many UPSC aspirants also do the same. क्योंकि NCERTs में सारी चीजें जो है बहुत अच्छे से explained है. अगर आप 9th क्लास की इकोनॉमी से स्टार्ट करके 12th क्लास की इकोनॉमी तक तो चले जाओगे, तो उन एनसीईआरटी से इकोनॉमी के सारे फंडे जो है वो क्लियर हो जाते हैं, जो बेसिक फंडे हैं. और आपको यहाँ मैक्रो इकोनॉमी का ध्यान रखना है, माइक्रो इकोनॉमी का ध्यान नहीं रखना है. यू हैव टू टॉक अबाउट मैक्रो, राइट. एंड ये पढ़ने के बाद देन वी शिफ्ट ऑन टू करंट अफेयर्स की इकोनॉमी में करंटली क्या चल रहा है. ठीक है, बैंकिंग से जुड़े क्या रिफॉर्म्स हो गए, या बैंकिंग में कोई नया इनिशिएटिव लिया गया है, प्राइमरी सेकेंडरी जो मार्केट्स हैं, मनी मार्केट हो चाहे कैपिटल मार्केट हो, उसके अंदर क्या नए इनिशिएटिव्स हो रहे हैं, क्या नए चेंजेस हो रहे हैं, लोग उसमें सीधा जंप कर जाते हैं क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से आते हैं. सो दिस बुक इज अ गुड बुक. आई एम नॉट सेइंग दिस इज नॉट अ गुड बुक, बट इफ यू हैव स्टडीड और इफ यू हैव अ डिसेंट आइडिया अबाउट इकोनॉमी, यू नीड नॉट स्टडी दिस बुक अगेन. You can go NCERTs, read NCERTs, very simple, lucid, beautiful language is used in NCERTs, and then come to the current affairs. Okay? After that, industrial relations है, labor laws है. IR labor laws की बात करें तो industrial relations आपको पढ़ने पड़ेंगे, इसमें कुछ conceptual topics होते हैं, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए. बहुत important topic है APSC में अगर आप जा रहे हैं काम करने के लिए, EPFO के किसी भी post पे आप काम करने के लिए जा रहे हैं, तो industrial relations और labor laws के ऊपर अच्छी पकड़ आपकी होनी चाहिए. labor laws तो अभी जो हम बात करें तो ये पुराने labor laws ही है, payment of wages, minimum wages, industrial employment, trade union, factory, industrial dispute. जो नए labor codes हैं वो भी आ सकते हैं आपको एग्जाम में, लेकिन दिस विल बी क्लियर वंस द नोटिफिकेशन इज आउट, राइट. सो देन वी कैन डिसाइड वेदर वी हैव टू रीड द ओल्ड लेबर कोड्स और ओल्ड लेबर लॉज और द न्यू लेबर कोड्स दैट हैव बीन सजेस्टेड बाय द गवर्नमेंट, राइट. नेक्स्ट इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बुक जो है, दैट इज योर प्यारी घोष शेफाली नंदन की बुक आती है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज की ये बुक है, इसको आप रीड कर सकते हो. और लेबर लॉज के लिए तो आई वुड रेकमेंड की ना, जो सीधा सोर्स है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, वहां जाकर के उनकी वेबसाइट के ऊपर सारे जो लेबर लॉज हैं और लेबर कोड्स भी जो हैं वो यहाँ पर पढ़े हो, यू कैन गो एंड रीड देम. ठीक है, रीड द बेयर एक्ट, वहां से जो प्रोविजन मिनिस्क्यूल प्रोविजन है वहां से मिलेंगी, उसी के ऊपर क्वेश्चन आएगा. तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं जो हमने देखा यूपीएससी के द्वारा फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट ऑफ लेबर लॉज, विच आर वेरी फैक्चुअल टाइप ऑफ क्वेश्चन. तो वहां पर लिमिट्स हैं, नंबर्स हैं, वो चीजें याद करनी पड़ेंगी आपको. ठीक है, फिर आती है सोशल सिक्योरिटी इंश्योरेंस. सोशल सिक्योरिटी इज बेसिकली दी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स. ठीक है, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, वर्कर्स के लिए यानी लेबर्स के लिए, उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए, एल्डरली पीपल के लिए, डिसेबल्ड पीपल के लिए, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं या डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं उनके लिए, तो उनके लिए जो भी स्कीम्स चलाई जा रही है सरकार के द्वारा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, उन स्कीम्स के बारे में आपको पता रहना चाहिए. एंड सोशल सिक्योरिटी के लिए आपको जाना है, ये जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स दी गई हैं और ये भी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट पर भी हैं और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट उसकी वेबसाइट पर भी ये स्कीम्स मिलती है. उनसे जुड़ी स्कीम्स और उनसे जुड़े एप्स, ये सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे. ठीक है जी, इंश्योरेंस एक बहुत छोटा सा टॉपिक है एपीएफसी में, अभी तक तो एक ही क्वेश्चन आया इंश्योरेंस का, वो भी एक तरीके से देखा जाए जीके का ही क्वेश्चन था. और इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज बेसिकली इंश्योरेंस, हाउ इंश्योरेंस वर्क्स, इंश्योरेंस के क्या फायदे होते हैं, इंश्योरेंस अगर बढ़ानी है इंडिया में तो क्या चीजें हमें ध्यान रखना चाहिए और क्या चैलेंजेस हैं जिनको ओवरकम करना पड़ेगा. दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चंस विल बी देयर इन इंश्योरेंस. तो यहां पर कोई ज्यादा आपको पेन नहीं लेना है इंश्योरेंस के लिए. ठीक है, इसके बाद
कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इफ यू आर नॉट गुड एट कंप्यूटर्स तो इसको पढ़ने की जरूरत है, इफ यू आर ऑलरेडी गुड एट कंप्यूटर्स बेसिक चीजें पूछी जाएंगी आपसे, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इसकी मतलब पता होना चाहिए आपको, जो खासतौर पर साइबर थ्रेट्स होते हैं जैसे वायरसेस के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, रैनसमवेयर होता है आपका, अलग अलग तरीके के जो थ्रेट्स हो सकते हैं आपकी सोशल और डिजिटल सिक्योरिटी को लेकर के, उसके बारे में थोड़ा आपको अवेयर रहने की जरूरत है। और अगर नहीं हो आप कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये कंप्यूटर अवेयरनेस की बुक है रिहन की, इसको पढ़ लो, इसमें बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया गया है कंप्यूटर की हिस्ट्री से स्टार्ट करके जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है कंप्यूटर की वहां तक आपको ये पूरी बुक जो है वो लेकर जाती है। सो यू कैन कवर दिस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बुक कंप्यूटर अवेयरनेस, अरिहन पब्लिकेशन की बुक है, ठीक है जी। अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, नाउ दिस इज द लास्ट सब्जेक्ट दैट आई एम टॉकिंग टू यू अबाउट, यू नो लुक एट द ऑर्डर इन विच आई हैव टोल्ड यू अबाउट द सब्जेक्ट्स, द ऑर्डर इन विच वी हैव सेट द सब्जेक्ट्स इन दिस 120 डे शेड्यूल, ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने सबसे पहले ही इंग्लिश और मैथ्स को कवर कर लिया और उस टाइम से डे वन से लेकर डे 20 पहले 20 दिन में अपने इंग्लिश और जनरल इंटरमीडिएट स्टैटिस्टिक्स पढ़ लिए, तो वहां पिछले हम 80 दिनों से 20 दिन हमने वो पढ़ लिया था, उसके बाद से लगातार जो है हम लोग उनकी प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। सो थ्रू आउट दिस 4 मंथ यू हैव प्रैक्टिस दैट पर्टिकुलर पार्ट। अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग को लास्ट में इसलिए कवर कर रहे हैं क्योंकि इसको याद रखना जो है जितना क्लोज रहेगा एग्जाम के उतना बेटर रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी, प्रैक्टिस तो करनी है इसकी भी, लेकिन बहुत सारी चीजें आप भूल जाओगे अगर आप अकाउंटेंसी के स्टूडेंट नहीं रहे हो, 12th से नहीं पढ़े अकाउंटेंसी, तो कुछ माइन्यूट चीजें होती हैं वो भूल जाएंगी टाइम के साथ, तो वो ना हो इसलिए वी हैव केप्ट दिस सब्जेक्ट एट लास्ट, राइट। सो अकाउंटेंसी और ऑडिटिंग में 3 सब्जेक्ट्स हैं आपके, बट अकाउंटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इंश्योरेंस जैसे मैंने आपको बताया बेसिक्स इसके रिक्वायर्ड है, कोई ज्यादा आपको पेन लेना नहीं है इसका। एंड ऑडिटिंग को अभी छोड़ रहे हैं हम लोग क्योंकि हम एग्जैक्ट सिलेबस का वेट कर रहे हैं जो नोटिफिकेशन के साथ आएगा, शायद ऑडिटिंग को उसमें इंक्लूड ना किया जाए, ठीक है। अगर किया जाएगा तब हम उसको पढ़ेंगे, लेकिन अकाउंटेंसी हमारे लिए मेन है। अकाउंटेंसी के लिए भी ये पहले चैप्टर्स इंट्रोडक्शन थ्योरी बेस रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन हाउ टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन पार्ट 1-2 ट्रायल बैलेंस एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये जो आपके 6 चैप्टर हैं दीज आर द मेन चैप्टर जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। इसके बाद अगर हम देखते हैं इसके बाद कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर आ सकता है क्वेश्चन, या फिर आपको जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन दीज आर द 6 चैप्टर्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो इसमें भी आप स्टैंडर्ड्स ऑफ एसएनजी की बुक है इसको यूज कर लीजिए, या अकाउंटेंसी एनसीईआरटी से मेरे हिसाब से तो काफी एनफ होती है, सारी चीजें एनसीईआरटी के अंदर मिल जाती है, ठीक है। तो यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो, ओके। फिर आते हैं करंट अफेयर्स की बात, करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। करंट अफेयर्स की जो डायमेंशन है जैसे कि फर्स्ट इन न्यूज, कोई ऐसी चीज जो पहली बार हुई है, उसके अलावा गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, नए लॉज आ रहे हैं, एमओयू साइन हुए हैं, कमेटीज कोई सरकार ने बनाई है, कोई समिट कॉन्फ्रेंस हुई है, इन्वायरमेंट से जुड़े करंट अफेयर्स हैं, डिफेंस एक्सरसाइज हुई है, प्लेसेस इन न्यूज है, पर्सन इन न्यूज है, कोई अपॉइंटमेंट हो गई नहीं, स्पोर्ट्स में कुछ नया हुआ है, इस तरीके के करंट अफेयर्स के डायमेंशन है। ये आपको किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन की करंट अफेयर्स कवरेज में मिल जाएंगे, या फिर आप खुद भी अगर रेगुलरली न्यूज़पेपर्स को फॉलो कर रहे हो या पीआईबी को आप फॉलो करते हो तो आपको ये सारे करंट अफेयर्स जो है वो इजीली कवर हो जाएंगे, क्लियर। सो दिस इज द स्ट्रेटजी दैट वी हैड टू शेयर विद यू इफ यू आर नॉन यूपीएससी एस्पिरेंट। अगर फिर भी आपको डाउट्स हैं एंड यू वॉन्ट अ 1-on-1 सेमिनार, यू कैन गो फॉर दिस वर्कशॉप जहां पर हम आपको 6 स्टेप में कैसे डोमिनेट करना है यूपीएससी एपीएससी एग्जाम को वो आपको बताते हैं। एंड रजिस्ट्रेशन फॉर दिस वर्कशॉप इज ओपन नाउ, यू कैन गो टू द लिंक विच इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहां पर जाकर लिंक क्लिक करिए, अपने आपको रजिस्टर करिए फॉर दिस वर्कशॉप। और उस वर्कशॉप में होगा क्या, कुलदीप सर आपको पूरी स्ट्रेटजी हर चीज एपीएससी के बारे में बताने वाले हैं, और जो भी डाउट्स होंगे आपके एपीएससी से जुड़े हुए वो वहां पर हैंडल किए जाएंगे। एक भी डाउट के साथ आपको घर वापस जाने नहीं देंगे हम, घर पे तो होंगे ही, मतलब कॉन्फ्रेंस से बाहर नहीं जाने देंगे। ये वर्कशॉप पूरी डिजिटल मोड में हो रही है, तो घर बैठे आप इसको अटेंड कर सकते हो, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट अटेंड कर सकते हो। और इस यहां से गारंटी है कि आप आंसर्स लेकर जाओगे, कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं रहेगी, ठीक है। इन एडिशन टू दिस, दिस इज माय ड्यूटी टू टेल यू अबाउट द कोर्सेज दैट वी हैव फॉर एपीएससी। सो मास्टर पैक इज देयर, टेस्ट सीरीज प्लस एंड टेस्ट सीरीज कोर्सेज आर देयर, यू कैन नो मोर अबाउट दीज कोर्सेज इन द लिंक व्हिच इज गिवन बिलो। जाकर के इन कोर्सेज को चेकआउट कर लो, स्टार्टअप पैक्स अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट डेमो है, उसको देखो और डिसाइड करो कि क्या ये कोर्सेज आपको चाहिए नहीं चाहिए। लेकिन अगर अभी भी कंफ्यूज हो कोर्सेज लेने से पहले, मेरी पूरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार जरूर जरूर वर्कशॉप अटेंड कर लेना एंड देन डिसाइड वेदर यू वांट टू गो फॉर द कोर्स ऑर नॉट, ओके। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। इफ यू डिड लाइक दिस वीडियो एंड लाइक द कंटेंट दैट आई हैड टू शेयर, प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड शेयर। एंड इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, पढ़ते रहो बढ़ते रहो, जय हिंद एंड जय भारत।